किस किस को पीनी है चाय? मुझे चाय पियोगे? हाँ नहीं नहीं कर दिया मेरे साथ। तुमने क्या बोला, तुम भी कूदोगे? भाई बहुत ठंडा पानी है, मेरे को बेवकूफ बना दिया। इन्होंने बोले सब कूदेंगे और सब नहाएंगे और सब स्पीच देंगे और मेरे को अकेले को कूदा दिया। यकीन मानो बहुत ठंडा पानी, लेकिन तो मजा आ गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस ग्राउंड के बीचों बीच में हमने ये पूल क्यों रख रखा है, हमने इसके अंदर पानी क्यों भरा है। तो गाइस यार मैं आपको बता दूं कि अभी एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट होने वाला है इस पूल के साथ में। तो गाइस यार जनरली अपन पानी को गर्म करने के लिए क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं या फिर चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर इस पूरे पूल के पानी को गर्म करने के अंदर हम ना ही किसी बिजली का इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी चूल्हे का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि ऐसे खुराफाती आइडिया से इस पूल को गर्म करने की कोशिश करेंगे जिसे देखने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें हमारी रानी को बाहर लेके आना पड़ेगा। लौंडे तैयार? तैयार। जाओ रानी को। इसके अंदर है दो इंजन, दो स्टीयरिंग और 4x4। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, वो जाके देख लेना। बाकी गाइस यार अब आप सोचो कि इस गाड़ी की मदद से हम ये जो पूल का सारा पानी है इसे गर्म करेंगे और फिर गर्म गर्म पानी के अंदर एक बार फिर से नहाएंगे। कैसे करेंगे वही तो मजे की बात है। लेकिन गाइस यार इस एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ ये रानी ही काम में ली जा सकती है, किसी भी और गाड़ी के साथ में इस चीज को ट्राई नहीं किया जा सकता है। तो अगर ये आइडिया काम करे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, आइडिया तो काम करेगा यार। आइडिया किसका, आइडिया मेरा है। तो चलो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस यार अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला इस गाड़ी से हम इतने सारे पूल को, इतने सारे पानी को गर्म कैसे करेंगे। अभी आपको बताता हूँ, ठीक है भाई। गेट खोल, अंदर जा, थोड़ी सी मेहनत कर, जल्दी जा भाई, जल्दी जा। अब ये बोनट खोल थोड़ा सा, कुछ तो कर। तो गाइस यार आइडिया काफी ज्यादा सिंपल है। अब देखो जब भी गाड़ी चलती है तो गाड़ी का जो इंजन होता है वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो हम उसी हीट का इस्तेमाल करेंगे उस पूल के अंदर के पानी को गर्म करने के लिए। तो आइडिया काफी सिंपल है। देखो ये रहा रेटर, अभी गाड़ी चल के आई है तो अभी हम इसे नहीं खोलेंगे वरना मुंह जल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रेटर का एक जो पाइप है उसे यहाँ से निकाल देंगे और जो दूसरा पाइप है उसे वहां से निकाल देंगे। इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर कूलेंट भरा हुआ रहता है, कूलेंट इंजन के अंदर फ्लो होता है और फिर रेटर के अंदर आता है, ठंडा होता है, फिर इंजन के अंदर जाता है, फिर गर्म होता है, फिर ठंडा होता है। लेकिन हम कूलेंट की जगह पे काफी सारे लोग भारत के अंदर एज अ जुगाड़ पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इससे पानी को भी गर्म कर सकते हैं। तो आइडिया काफी सिंपल है, इस रेटर को हम यहाँ से हटा देंगे, इसके जो दोनों मुंह है एक मुंह तो अपन डाल देंगे पूल के अंदर, दोनों मुंह पूल के अंदर डाल देंगे। फिर क्या होगा, गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे, उससे क्या होगा पूल के अंदर से पानी जाएगा, इंजन से गर्म होएगा और फिर वापस पूल के अंदर जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। तो गाइस यार ये तो थ्योरी है, असली तो अपन प्रैक्टिकल करेंगे तभी पता पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस रेटर को ही खोल लेते हैं। ये अपन ने पानी का नीचे का जो रेटर का पाइप था उसे खोल दिया है और गाइस इसके अंदर से गर्म पानी आ रहा है क्योंकि रेटर के अंदर हमने कूलेंट की जगह पानी भरा हुआ था। इसको भी खोल देते हैं, वन सेकेंड। तो गाइस ये है इसका रेटर, इसके अंदर वाटर फ्लो होता है, कूलेंट भी फ्लो होता है और ठंडा होता है और चला जाता है। ये देखो इसके पीछे पंखा घूमता है जो कि उसे ठंडा करता है, तो इसे तो हम निकाल देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, पेन भाई इससे पेन। अब अपन क्या करेंगे, ये वाला जो मुंह है इसके अंदर एक पाइप लगाएंगे और ये देखो यहाँ पे, देखो गाइस यहाँ पे देखो, ये रहा दूसरा मुंह। तो दोनों पे मुंह लगाएंगे और मतलब दोनों मुंह पे पाइप लगा देते हैं। ये लग गया। अबे यार पागल ही तोड़ ही दिया है? क्या अरे नट खुलता है बाबू, नट खुलता है। सॉरी ए यार गाइस ये वाला पाइप इसे भी निकाल देते हैं।
ठीक है गाइस, अब मेरे पास यहाँ पर दो पाइप है, इधर से जो है पानी जाएगा, इंजन के अंदर फ्लो होगा, गर्म होगा और इधर से आएगा। ठीक है, टेस्ट करते हैं। पानी की बाल्टी लाओ। कहीं कह रहे हो गलत बता दिया। क्या गलत बता? इससे तो अंदर जाएगा नहीं, इससे बाहर आएगा भैया। ठीक है, ये सर्कल इधर से होगा, पानी गर्म होना चाहिए। ठीक है ठीक है गाइस, आ गया पानी। आ गया तेरी, अभी बहुत गर्म है, गाड़ी थोड़ी सी चली है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, ये देखो। तो ठीक ऐसे ही होगा, इसके अंदर से बहुत गर्म पानी आ रहा है गाइस, बहुत ज्यादा गर्म पानी आ रहा है। अब क्या करते हैं, एक मुंह को तो इसके अंदर डुबो देते हैं और दूसरे को, ये देखो भाप उठ रही है। चलाओ गाड़ी स्टार्ट करो, काम कर जाना चाहिए। आइडिया सर बहुत गर्म है यार यहाँ पे। हमने मात्र कुछ ही सेकंड्स इंजन को रन किया और इसके अंदर से देखो कितना गर्म पानी आ रही है, भाप निकल रही है। ये देखो कितनी ज्यादा गर्म पानी है, इसका मतलब इंजन इतनी ज्यादा हीट पैदा करता है और इस हीट का हम इस्तेमाल करेंगे इस पूल को पूरे को गर्म करने के लिए। अब मैं क्यों कह रहा था कि यहाँ पे ये रानी ही ये काम कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर दो इंजन है, तो ये वाला इंजन और ये वाला इंजन दोनों साथ में मिलके पूल को गर्म करेंगे। अब देखते हैं कि ये जो गाड़ी है इस पूल को कितनी देर के अंदर गर्म कर पाती है। अबे आना बोनट खोल, कितनी बार बोलू, कुछ काम करनी, कुछ ही काम करनी। मजाक कर रहा है ना गाइस यार। अब देखो इसका हमने पहले ही सिस्टम खोल रखा है, इसके अंदर से रेटर का, ये देखो ये वाले पाइप के अंदर एक पाइप लग जाएगा, इस वाले के अंदर दूसरा लग जाएगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है, कितना टाइम लगता है इस चीज के। ऑलराइट गाइस, तो यार हमारी गाड़ी बिल्कुल तैयार है पानी गर्म करने के लिए। तो एक पाइप को अपन डाल देते हैं पूल के अंदर, इधर से पानी जाएगा इंजन के अंदर से गर्म होकर इधर से आएगा। गाड़ी स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। ऑलराइट गाइस, थोड़ा पाइप के अंदर से डूबा रहने देते ताकि एयर निकल जाए। आ गया, शुरुआत के अंदर पानी बहुत ज्यादा गर्म आ रहा था, लेकिन अब क्या है वाटर का फ्लो बढ़ गया है तो थोड़ी गर्म होने की रफ्तार भी धीरे होगी। लेकिन हमारे पास दो इंजन है, दूसरे वाली को भी तैयार करते हैं। गाइस गाइस, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब आपको जब ये जो ओरिजिनल वीडियो है कार वाली वो देखोगे तब पता पड़ेगा। हो गया, हो गया। चलो इस वाली गाड़ी को भी स्टार्ट करते हैं। जा भाई फिर से देख ले, भाग भाग भाग। रुको 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 रुको, पहले इसके पाइप तो लगाओ। पाइप लाओ, पाइप लाओ, कर स्टार्ट कर, स्टार्ट कर। हो गई एक्सेलरेटर दे, एक्सेलरेट
काफी ज्यादा बढ़ार किया ताकि इंजन ज्यादा गर्म हो और ज्यादा तेजी से गर्म पानी हो। इसके अंदर इंजन को कोई भी ज्यादा हानि नहीं होगी क्योंकि ठंडा पानी रेगुलर सर्कुलेट हो रहा है और दोनों के अंदर से दोनों गाड़ियां चालू है और दोनों पानी गर्म कर रही है। ये देखो गाइस, ओए उसके अंदर से गर्म कितना गर्म आ रहा है, फुल गर्म है, फुल ज्यादा गर्म। किसमें दिखाना, ये देखो, ओए तेरी किसमें ज्यादा गाइस, वो वाली ज्यादा गर्म कर रही है। लेकिन गाइस यार ये पूल के अंदर पानी बहुत सारा है तो हमें इसे काफी देर तक चलाना होगा। मुझे नहीं पता यार कि ये तबाह कर देंगे, ये रानी को खत्म कर देंगे। तो गाइस यार अब जो है मुझे नहीं पता कि कितनी देर के अंदर ये पानी गर्म होगा, लेकिन आई थिंक 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या फिर 4 घंटा जब तक पानी इतना गर्म ना हो जाए कि हम मजा आ जाए तब तक गाड़ियों को चलने देंगे और फिर देखते हैं कि पानी कितनी देर के अंदर और कितना गर्म होता है। चलो मिलते हैं जल्द। गुड मॉर्निंग गाइस, तो यार हमने जो है दोनों गाड़ियों को पूरी रात चलाया और रात चलाने के बाद फाइनली इन दोनों गाड़ियों ने मिलकर हमारे पूरे पूल को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना गर्म कर दिया है, पूरे पूल के अंदर से भाप निकल रही है। अबे डर क्यों रहे, आ जाओ, सबकी हालत खराब है गाइस, सब रात को कुकड़े बन गए हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। लेकिन इसके अंदर दो खराब चीजें भी हुई वो मैं आपको बता दूंगा। ये वाली जो गाड़ी है ये अभी तक भी काम कर रही है, दूसरी वाली गाड़ी ने आधी रात को ही दम तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी एक गाड़ी ने भी काफी मेहनत दिखाई। और हाँ थोड़ी प्रेशर की दिक्कत आ रही थी, इंजन इतना प्रेशर नहीं ले पा रहे थे, इसलिए हमने एक जुगाड़ लगाया कि एक पाइप का वो यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ से पानी जा रहा है और यहाँ से पानी आ रहा है अभी तक भी, ये देखो, और ये पानी गर्म है। जी हाँ गाइस बहुत ज्यादा गर्म है, एक्सीलरेट दे थोड़ा सा और दिखाते हैं जादू, एक मिनट रुको, ये देखो आ जाओ। तो यहाँ से एक बार और दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ से ठंडा पानी जा रहा है, इंजन में से गर्म हो रहा है और वापस आ रहा है, एक्सीलरेट करियो ज्यादा गर्म है या फिर क्या है। तो गाइस यार ये देखो, एक सेकंड, ये तो गाइस यार इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूल में पानी जो है वो कितना ज्यादा गर्म हो गया। ये देखो गाइस, ये जो येलो है इसका मतलब है कि पानी कितना गर्म है, और साथ ही साथ पाइप के अंदर से भी गर्म पानी आ रहा है वो देखो। ये देखो उस पाइप से जो पानी गिर रहा है वो कितना ज्यादा गर्म है, साथ ही साथ पूरी पाइप के अंदर देखो। गाड़ी बंद कर। तो गाइस यार अब गाड़ी को बंद कर देते हैं, अब इसका काम खत्म हो गया है। बस गाइस पानी देखो यार कितना ज्यादा गर्म हो गया है। तो गाइस यार पानी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गाइस रात भर दोनों गाड़ियाँ चली, आधी रात के अंदर वो तो खैर उसने दम तोड़ दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि भैया इतना सारा गैसोलीन, इतना सारा पेट्रोल हमारी गाड़ी पी गई है, पूरा ड्रम ही खाली हो गया क्योंकि हम फुल एक्सेलरेट कर रहे थे, इंजन के अंदर से भी धुआं निकल रहा है, और साथ ही साथ ये गाड़ी भी जो है जान तोड़ने वाली है। देखो गाइस इसका भी ऑयल निकल गया। ऑलराइट गाइस, तो अब गाड़ी को हटाते हैं और अब वक्त है कमाल की चीज की, हटाओ गाड़ी। अभी इन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे कोई मजाक हो रहा है, लेकिन याद करो कल शाम का वो पल जिस टाइम में मेरे साथ धोखा हुआ था। अब बारी है इन सब की। भैया नाना है, नाना पड़ेगा ऊपर के मन से मत बोल, कैमरे सामने आ जाओ सब। ये देखिए आ जाओ भाई, नाना है, वरना लोगों को पता कैसे पड़ेगा कि पानी गर्म है। बात तो सही है। तो तैयार हो जाओ सभी लाइन से, और कल की तरह सभी दोबारा कूदेंगे और अब देखते हैं कितना मजा आता है। यार महीना में एक बार तो बिहार ही नहाऊंगा।
एक बार थारा भाई चमन आज ठंडे ठंडे पानी को गर्म करके नहाएगा। थारा भाई चमन अब काली बार ठंडे ठंडे पानी को गर्म करके नहाएगा। क्या बात है, डायरेक्ट दोनों एक साथ ही खोल दूं। चाय ले आओ, चाय तेल तेल। अरे तो वो इंजन का, हाँ तेल यार गाइस, थोड़ा सा पानी हल्का सा गंदा हो गया क्योंकि इंजन के अंदर से जब फिल्टर होके आता है तो हल्का हल्का सा तेल तो उसके अंदर रहता ही है। इधर आ, इधर 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 इधर। क्या हो रही है तुम्हारे साथ? थारा भाई चमन के साथ क्या कर रही है? बहुत सताया है शहर वालों ने, हमको बहुत सताया बापू। हमने इनसे कहा हमको गांव वापस अपने बापू और अपनी माँ के पास जाने दो, नहीं जाने दिया। बहुत मारा हमको, पागल कुत्ते की तरह गली गली दौड़ाया। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। सबसे कमाल की बात ये है कि एक्सपेरिमेंट पास रहा, तो अब इस वीडियो को लाइक कर देना भैया। वो ड्रम भर के तो पेट्रोल जला दिया हमने, एक गाड़ी के इंजन भी खत्म हो गया, दूसरी वाली अभी तक भी चालू है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। रुको जरा, सबर करो।